फुसफुस कह रहा है, उनको भी नमस्कार, भाइयों को भी नमस्कार और उनकी बहनों को भी नमस्कार। हाँ तो भाई देखो, ये मेरा इंडिकेटर है। इंडिकेटर नहीं नेताजी, असिस्टेंट। अच्छा अच्छा असिस्टेंट। और ये दोनों मेरे बॉडीगार्ड हैं। बॉडीगार्ड नहीं नेताजी, बॉडीगार्ड। अबे साला नेता तू है या मैं? नेताजी आप ही हो। आइए नेताजी अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अरे भाई हमारे लिए चारपाई कहाँ है? नेताजी स्टूडियो में चारपाई नहीं चेयर होती है। अरे भाई ये चेयर कहाँ है? छोटी चारपाई नेताजी। अच्छा अच्छा छोटी चारपाई। अरे भाई इसमें तो मेरी मम्मी ना है। अरे बाहर उधर बोल रहा हूँ, टूट गया रे। नेताजी स्टूडियो वाले आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, आप तैयार हैं? हाँ। आइए सर इनका इंटरव्यू लीजिए। हाँ तो नेताजी आप इंटरव्यू के लिए तैयार हैं? अरे भाई ये इंटरव्यू का है? साक्षात्कार नेताजी, साक्षात्कार। अच्छा अच्छा समझ गया, साक्षात्कार। हाँ तो नेताजी ये बताइए आपका जन्म कहाँ हुआ? भाई हमारा जन्म तो इंडिया में हुआ था। सर मेरे कहने का मतलब इंडिया के कौन से इलाके में हुआ? बेवकूफ है भाई, इलाका तो कुत्तों का होता है, हम तो इज्जतदार लोग हैं, घर में पैदा हुए थे। अरे सर मेरा कहने का मतलब इंडिया के कौन से इलाके के तो कौन से घर में हुआ? अरे भाई हम चार दिन के बच्चे को कहाँ मालूम कि वो कहाँ पैदा हुआ, उस टाइम तो मेरी आँखें ही नहीं खुली थी। अच्छा नेताजी जनरल नॉलेज की बातें हो जाए। अरे भाई ये जनरल नॉलेज का सामान्य ज्ञान है ताजी, सामान्य ज्ञान। अच्छा अच्छा समझ गया, सामान्य ज्ञान। हाँ तो नेताजी ये बताइए चांद पर पहला कदम किसने रखा? भाई चांद पर पहला कदम तो आर्मस्ट्रांग ने रखा था। आर्मस्ट्रांग नहीं नेताजी, आर्मस्ट्रांग। अबे साले नेता तू है यार, मैं पर तू बन जा पहले नेता। नहीं नेताजी आप ही हो, बैठो बैठो। और दूसरा सवाल, चांद पर दूसरा कदम किसने रखा? बेवकूफ है भाई, एक टांग से वो लंगड़ी थोड़ी करने जाएगा, दूसरा भी उसी ने रखा था। नेताजी आपकी गवर्नमेंट कैसी चल रही है? भाई हमारी गवर्नमेंट तो राम भरोसे चल रही है। राम भरोसे मतलब भगवान भरोसे? नहीं नहीं जय जय राम भरोसे। वो कैसे? भाई सारा काम काज तो ये करे और अंगूठा मैं लगाऊं, बाकी आप सब जानो ही हो। अच्छा हाँ तो नेताजी आपका डेमोक्रेसी के बारे में क्या ख्याल है? अरे भाई डेमोक्रेसी का है? प्रजातंत्र नेताजी, प्रजातंत्र। अच्छा अच्छा समझ गया, प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता की ऐसी तैसी, यही है डेमोक्रेसी। ये बताइए नेताजी आपने जनता के लिए क्या किया? वो बता दूं क्या, चारों वोट डाले? नहीं नेताजी। अच्छा अच्छा तो सुनो भाई, जनता को पिछले साल हमने चार कंबल बंटवाए थे। जनता को? नहीं नहीं उनके जानवरों, गाय और भैंसों के लिए। अरे नेताजी आप मतदान तो जनता से लेते हो, जानवरों को कंबल क्यों बंटवाए? बेवकूफ है भाई, अगर हम उनको कंबल नहीं बंटवाते हो तो वो सर्दी में मर जाते, फिर हम दूध किन का पीते, दूध तो हमें उन्हीं से मिलता है। अच्छा हाँ तो नेताजी पिछले महीने गाँव में आग लगी, तब आपने क्या किया? भाई पिछले महीने जब गाँव में आग लगी तब जो कह रहे उनको तो हमने शमशान घाट भेज दिया, और जो मर गए उनको अस्पताल पहुंचा दिया, साइंटिस्ट लगा रखे उनके लिए। और उनको मुआवजा क्या दिया? भाई जो कह रहे थे उनको तो 50 रुपए का, और जो मर गए उनको 10 रुपए का। अच्छा नेताजी आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भाई हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह तो ये सूखता है। नेताजी आपकी पार्टी का जनता के लिए क्या संदेश है? भाई हमारी पार्टी का जनता के लिए ये संदेश है कि भाई भारी बहुमतों से हमें विजयी बनाए, भारी बहुमतों से हमें विजयी बनाए, और जो तारू सेना बने उसे कॉफी पिलाइए। नेताजी ये बताइए आपकी पार्टी कभी चुनाव क्यों नहीं हारती है? भाई जब तक दारू और पैसा है तब तक हम चुनाव नहीं हारने वाले, अनपढ़ जनता को दारू और पढ़े लिखे लोगों को पैसा बांट कर वोट लेना हम अच्छे से जानते हैं। अच्छा
नेताजी ये बताइए, जो महंगाई बढ़ रही है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या किया था? श्री बता दो नेताजी। अरे ये बार बार बोल के क्यों पका रहे हैं? कोई डीजे वीजे मंगवा देता। नेताजी ये स्टूडियो है, कोई बार क्लब नहीं है। चल अपना फोन दे। क्यों? अपनी राम पत्नी को फोन करना है। ये राम पत्नी कौन है? भाई हमारी गर्लफ्रेंड है। हेलो 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 राम पत्नी। हाँ कौन से टीवी पे, कौन से भी टीवी, कौन से चैनल पे हमारा फोटो लाइव आ रहा है? कौन सा टीवी? अबे बेवकूफ है क्या? अबे गधे नंबर देख के डायल कर। पता नहीं साली क्या समझती है अपने आप को। ले पकड़। अरे ये तो मेरी वाइफ के नंबर है। ये मजदूर